आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए और हाँ, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम लेके आ रहे हैं आपके लिए फोटोशॉप लाइटरूम के सबसे आसान ट्यूटोरियल्स। ये ट्यूटोरियल्स अगर आपने एक बार देख लिए तो आप एक दिन में ही लाइटरूम की जो बेसिक एडिटिंग है वो काफी आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम पहले देखेंगे कि लाइटरूम के जो बेसिक मॉड्यूल्स है वो कौन कौन से है। जो लाइब्रेरी मॉड्यूल है, डेवलप मॉड्यूल है, मैप मॉड्यूल, बुक मॉड्यूल, स्लाइड शो, प्रिंट और वेब मॉड्यूल्स, ये जो मॉड्यूल्स हैं, इनका काम क्या क्या है। ये जो लाइटरूम है इसका जो वर्क फ्लो है वो काफी आसान है। ये हमारा काम काफी आसान करता है, भले ही वो एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, या फिर एक अमेच्योर या फिर एक हॉबी फोटोग्राफर हो। लाइटरूम पे अगर आप काम करना सीख गए तो आपका वर्क फ्लो काफी फास्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो हम पहले देखते हैं लाइब्रेरी मॉड्यूल। लाइब्रेरी मॉड्यूल में जब हम जाते हैं तो इसका शॉर्टकट है जी। यहाँ पर जब हम जाते हैं तो है इंपोर्ट बटन। इस इंपोर्ट बटन को हम दबाएंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इसमें है कॉपी HDNG, कॉपी, मूव और एड। इसका मतलब यह है आप चार तरीकों से उस फाइल को हैंडल कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम इसे एड करेंगे, यानी कि ये जहाँ पर है उस फोल्डर में से इसे हम सिर्फ लिंक करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें कौन से कौन से फोटोज ऐड करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने सारे फोटोज सिलेक्ट करके इसे ऐड कर दिया है। तो अभी ये मेरे कैटलॉग में ये सारे फोटोज ऐड हो गए। अब इन सारे फोटोज को अगर आप फुल स्क्रीन में व्यू करना चाहते हैं तो आपका की है F। F की दबाने से आपने जो फोटो सिलेक्ट किया है वो आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा, बिल्कुल इस तरह। ये मैं लेफ्ट राइट एरो बटन से आगे आगे फोटोज सिलेक्ट कर रहा हूँ। L बटन दबाने से आपको आएगा लूप व्यू। थंबनेल स्लाइडर से आप थंबनेल की साइज भी बड़ा या फिर कम कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा डिटेल व्यू मिले। अब हम इन फोटोज को रेटिंग देंगे, यानी कि जो रिलेटेड फोटोज है उसको हम एक सेम रिलेटेड रेटिंग देंगे, जिससे कि हमें इन फोटोज को क्लासिफाई करने के लिए ज्यादा मदद मिलेगी। हम 1, 2, 3, 4, 5 इन न्यूमेरिकल कीज से 1, 2, 3, 4, 5 तक की रेटिंग्स दे सकते हैं और उसके आगे 6, 7, 8, 9 से रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो इन कलर लेबल्स को भी हम इमेजेस को दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, मैंने इमेज नंबर 1 को 1 स्टार दिया है, 2 को 2 स्टार दिया है, 5 को भी 1 स्टार, 6 को भी 1 स्टार, 8 को भी 1 स्टार दिया है और 19 से लेके 26, 27 तक जो हमारे इमेजेस है उसको मैंने ग्रीन लेबल दिया हुआ है, क्योंकि वो सब पैनोरामिक इमेजेस है, मुझे उन इमेजेस से पैनोरामा बनाना है। तो इस तरह से हमारा जो वर्क फ्लो है वो काफी आसान हो जाता है। अब जब यहाँ पर मैं फिल्टर देके रेटिंग सिलेक्ट करता हूँ तो लाइक या फिर सेम जो रेटिंग्स है उनकी इमेजेस मुझे एक साथ दिखाई देती है। क्विक डेवलप जो ऑप्शन है हमारे लाइब्रेरी मॉड्यूल में, उसमें से आप जो फोटो है उसमें बिल्कुल माइन्यूट चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा डिटेल में काम नहीं कर सकते, पर अगर आपको ब्रीफ चेंजेस करने हैं, जैसे कि अगर आपको फोटोज आपके पार्टी को या फिर आपके क्लाइंट को सिलेक्शन के लिए भेजना है तो क्विक चेंजेस के लिए आप ये क्विक डेवलप मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडोज बिल्कुल इसी तरह है। सेकेंड हमारा जो पार्ट है लाइब्रेरी मॉड्यूल में वो है कीवर्डिंग, यानी कि हम किसी भी इमेज को एक कीवर्ड दे सकते हैं जिसकी मदद से जब हम उस कीवर्ड को रिकॉल करेंगे तो हमें वो इमेज दिखाई देगी। कीवर्डिंग का इस्तेमाल काफी ज्यादा लेवल में प्रोडक्ट फोटोग्राफी में होता है, क्योंकि वहां पर अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैंडल कर रहे हो तो वहां पर आपको कीवर्डिंग की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कीवर्ड लिस्ट में मैं जिस कीवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ वो कीवर्ड के फोटोज हाईलाइट हो रहे हैं। मेटा डेटा में आपको हर एक फोटो का इन डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी कि भाई अपर्चर कौन सा है, शटर स्पीड कितना था, ISO कितना है। ये पूरी जानकारी अगर आपके कैमरा के बारे में या फिर अगर उस फोटो के बारे में आपको देखनी है तो आपको ये मेटा डेटा के ऑप्शंस में मिलेगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसके बारे में आप कमेंट्स में जो हमें जरूर बताइए और हमें नए नए वीडियोस का सजेशन भी देते रहिए ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकते हैं।